हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्वीट हंगर पहाड़ी रसोई में। आज की रेसिपी में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पालक की सब्जी, जिसको मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया है। इस तरीके से अगर आप भी पालक की सब्जी को घर पे ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। देखते हैं कि इस रेसिपी को किस तरीके से बनाया जाता है। पालक की इस सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हम पालक को बहुत अच्छे से साफ़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पालक को बहुत अच्छे से साफ करके और इसको वॉश भी कर लिया है। तो दोस्तों, ये पालक को मैंने 2 पार्ट्स में कट कर लिया है ताकि ये हमारे जो बर्तन हैं जिसमें हमने इसको उबालना है अच्छे से फिट हो जाए। और इसके साथ ही मैंने कढ़ाई पर पानी बॉयल कर लिया है, तो हम इस पालक को बॉयल वाटर में डाल देंगे। पालक को मैंने डाल दिया है कढ़ाई में ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें ध्यान देना है, हमने पालक को बहुत ज़्यादा देर तक पानी में नहीं छोड़ना है, क्योंकि ऐसा करने से पालक का जो हरा कलर होता है वो नहीं आता और पालक देखने में उतना अच्छा नहीं लगता। तो हमने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, बीच बीच में हम इसको चला लेंगे। तो दोस्तों, इधर जब तक हमारा पालक कुक हो रहा है तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक बड़े साइज का टमाटर और इसको मैं फटाफट से इसकी एक प्योरी बनाकर तैयार कर लूँगी। और यहाँ पर पालक भी हमारा अच्छे से कुक हो चुका है, तो हम यहाँ पर गैस को कर देंगे ऑफ और सारे पालक को इस गर्म पानी से बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेनर रख लिया है जिसपे मैं सारा का सारा पालक खाली कर दूंगी। तो दोस्तों, जैसे ही हम पालक को गर्म पानी से बाहर निकालते हैं तो हमें इस पर डालना होता है चिल्ड वाटर, ताकि जो पालक है उसकी जो कुकिंग प्रोसेस है वो वहीं पर स्टॉप हो जाए, पालक हमारा ज़्यादा कुक ना हो। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 ग्लास इस पर चिल्ड वाटर डाल रही हूँ। आप चाहे तो इस पर आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं। ठंडा पानी डालने की वजह से पालक हमारा प्रॉपर ठंडा हो चुका है। अब हम इसको एक मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, पालक का पेस्ट भी हमारा तैयार हो चुका है। तो देख सकते हैं आप ये कितना ग्रीन निकल करके आया है। ये इसलिए हुआ है दोस्तों क्योंकि हमने पालक को ज़्यादा देर तक कुक नहीं किया। अगर पालक को हम ज़्यादा देर तक कुक करते हैं तो उस पर वो ग्रीन कलर नहीं आ पाता। और इधर मैंने गैस पे रख लिया है पैन। आप कोई भी नॉर्मल पैन ले सकते हैं, पर दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगी कि आप किसी नॉनस्टिक पैन की जगह लोहे की कढ़ाई लेंगे तो आपको पालक की सब्जी में वो नेचुरल और एग्जैक्ट टेस्ट आएगा पालक का। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के अराउंड सरसों का ऑयल इसमें डाल दिया है। और अब तेल को हम गर्म होने का वेट करेंगे। तेल हमारा हो चुका है गरम और इससे धुआं भी उठने लगा है, तो बस अब हम यहाँ पे अपना डाल देते हैं तड़का। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पर लिया है सबसे पहले 1/2 चम्मच जीरा और फिर लिया है थोड़ा सा हींग। तड़के को हमें बहुत अच्छे से क्रैकल होने देना है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज के प्याज को कट करके रख लिया है। प्याज को हमने बिल्कुल अच्छे से ब्राउन करना है, यानी कि पूरा गोल्डन कलर प्याज को देना है। तो देखिए, यहाँ पे प्याज भी हमारा पूरा गोल्डन ब्राउन हो गया है। इस स्टेज पे जब हम आ जाएंगे तो हम इसमें ऐड करेंगे लौंग। तो मैंने यहाँ पर 4 लौंग को कूट कर डाल दिया है। तो दोस्तों, लौंग यहाँ पर बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है, तो इसको स्किप मत कीजिएगा। इसको चला लेंगे थोड़ी देर बस। तो प्याज तो हो चुका है हमारा तैयार, तो अब इसमें बारी आती है टमाटर प्योरी को ऐड करने की। तो इसको मैं ऐड कर रही हूँ। टमाटर डालने के साथ ही हम इसमें सबसे पहले डालेंगे नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, और साथ में ही मैंने ले लिया कुछ बारीक बारीक से कटी हुई हरी मिर्चें। तो इन सब को हम डालकर मिला लेंगे अच्छे से।
और मसालों के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। तो ये काली मिर्च भी इस पालक की सब्जी को बहुत ही ऑसम टेस्ट देने वाली है। सारे मसालों को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद इसको तब तक कुक करेंगे जब तक कि टमाटर में से ऑयल रिलीज ना होने लगे। मसाले हमारे यहाँ पे प्रॉपर तैयार हो चुके हैं, मसालों ने तेल को बिल्कुल अलग छोड़ दिया है, तो इस स्टेज में आकर हम अपने पालक की प्योरी को इसमें डाल देंगे। और ये जो जार में भी थोड़ा सा पालक बचा है, मैंने इसमें पानी डाल के इसको भी मिक्स कर लिया। बस अब हम इसको थोड़ी देर चलाएंगे और फिर इसको पकाएंगे। तो दोस्तों अगर पानी आप इस पे ऐड करना चाहें तो थोड़ा ऐड भी कर सकते हैं, तो मैंने बस इतना ही पानी इसमें ऐड करा है। और यहाँ पर दोस्तों इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच मलाई। ये एकदम फ्रेश मलाई है, दूध से निकली हुई। आप चाहे तो यहाँ पे मार्केट वाला क्रीम और बटर भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद में इसको स्लो फ्लेम में 5 से 7 मिनट के लिए पकाऊंगी। बस बीच बीच में आप पालक को जैसे ये बुलबुले से उठने लगे तो आप हिलाते रहिए, वरना पालक उछल के निकलता भी है पैन से बाहर, तो इसलिए आप इसको हिलाते रहे बीच बीच में। पकते पकते इसको स्लो फ्लेम पे 5 मिनट भी कंप्लीट हो गए हैं। पालक हमारे यहाँ पे तैयार है, तो यहाँ पर मैं गैस की फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और साथ में ही हम तैयारी करते हैं तड़का लगाने की भी। इधर मैंने एक बर्तन पे सारी पालक की सब्जी को सर्व कर लिया है। तड़का पैन मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है, जिसमें मैंने डाला है थोड़ा सा घी और उसके साथ ही हम डालेंगे तड़के के लिए कुछ लाल मिर्चें और एक अच्छा सा कलर देने के लिए सब्जी को कश्मीरी लाल मिर्च। तो बस इन दोनों को हम अच्छे से तड़कने देंगे। तैयार तड़के को हम पालक के ऊपर डाल देंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड कर रही हूँ उसको गार्निश करने के लिए। तो इस तरीके से तड़के पालक की सब्जी प्रॉपर तैयार है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, एक अलग तरीके से रेसिपी बनाई गई है जिससे इसमें टेस्ट बहुत ही ज़्यादा औसम आता है। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ।